चलो दोस्तों, आज मैं फिर से संडे की अर्ली मॉर्निंग में निकल पड़ा हूँ एक और टूरिस्ट प्लेस की विजिट के लिए। ये जगह अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अम्बापुर स्टेपवेल की, जो कि गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के अम्बापुर विलेज में है। ये वाव अम्बापुर विलेज के पश्चिम में स्थित है और इस वाव में जाने के लिए आपको श्री अम्बे माता मंदिर में होकर ही जाना पड़ता है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य है। यहाँ के पुजारी ने मुझे बताया कि श्री अम्बे माता के नाम पर ही इस गांव का नाम अम्बापुर रखा है। मंदिर में खड़े होकर आप पूरे वाव का नज़ारा देख सकते हो और वहीं से ही वाव की सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। जैसे ही मैं नीचे उतरा और पलट कर देखा तो श्री अम्बे माता मंदिर का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था, मानो एक दूसरे को वो देख रहे हो। मंदिर की ध्वजा यहाँ से लहराती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही थी। माना जाता है कि 15वीं सदी में रानी रुडाबाई ने अपने राजा रणजीत सिंह वाघेला की याद में इस वाव को बनवाया था। इस वाव को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 5 फ्लोर में बनाया गया है। इस वाव को अभी पुरातत्व विभाग के अंडर में रखा गया है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वाव की देखरेख सही तरीके से नहीं हो रही है। यहाँ पर चारों तरफ गंदगी है और दुर्गंध मार रही है। यहाँ चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और इस वाव की नियमित रूप से साफ सफाई भी नहीं हो रही है। अगर इस वाव की नियमित रूप से देखरेख की जाए और साफ सफाई की जाए तो ये वाव अडालज वाव से भी भव्य और सुंदर है। इस वाव का निर्माण सेम एज अडालज वाव जैसा है। पास में भव्य मंदिर और सुंदर गार्डन भी है। वाव की दीवारें बहुत ही भारवाहक और सुरेख है। वाव के अंदर आप गवाक्षों के ऊपर इली का भात और अंदर की तरफ बड़े बड़े कमलों के चित्र देख सकते हो। इस वाव को पूरे कक्षासन मंडप की तरह दर्शाया गया है। जब आप वाव की बहुत ही अंदर की तरफ जाते हो तो आपको चौथे और पांचवें मंजिल में कुंड दिखाई देगा, जो सर्पाकार की तरह है और यहाँ के स्टेप भी उसी के आकार के बने हुए हैं, जो इस वाव की और इस स्थापत्य की बहुत बड़ी विशेषता है। पहली नज़र में देखने से ये वाव सेम एज अडालज स्टेपवेल जैसी ही दिख रही है, लेकिन इस वाव के स्तंभ और उसकी लंबाई अडालज वाव से बहुत ज़्यादा है। पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं पानी की समस्या दूर करने के लिए वाव या स्टेपवेल का निर्माण करते थे। वो इस तरीके से बनाते थे कि वाव का पूरा पानी एक कुंड में जमा हो और वो पानी पूरा घाव पी सके। आपको पूरे गुजरात में कोई भी वाव या स्टेपवेल में एक कुंड जरूर मिलेगा जिसमें पानी भरा हुआ हो। आज संडे का दिन है तो मेरे जैसे बहुत से फोटोग्राफर यहाँ फोटोग्राफी के लिए आए थे। कुछ लोग तो प्री वेडिंग के लिए भी आए हुए थे। गांधीनगर प्रशासन और गुजरात टूरिज्म से मेरी दरखास्त है कि यहाँ पर टिकट काउंटर स्टार्ट करें और नियमित रूप से साफ सफाई करें, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। इस वाव के अच्छे फोटो और इन्फॉर्मेशन मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट @GujaratTouristGuide पे देख सकते हो। एक दिन फोटोग्राफी के लिए ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप इस वाव की मुलाकात लेना चाहते हो तो ये वाव गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट के अम्बापुर विलेज में है और गांधीनगर से 10 किलोमीटर की दूरी और अहमदाबाद से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है और अडालज वाव से सिर्फ 4 किलोमीटर की ही दूरी पर ये वाव स्थित है। अगर आप अडालज वाव की मुलाकात के लिए आए हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वाव की भी मुलाकात ले सकते हो। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे मित्र को जो गांधीनगर में NGO चलाते हैं और महीने में एक बार इस वाव की साफ सफाई करते हैं। मुझे गांव के सरपंच से मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से
मैं सरपंच श्री को कहना चाहता हूँ कि वो नियमित रूप से इस वाव की साफ सफाई करवाए। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और अपने अभिप्राय कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद।